नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर कहा है, ये मोदी की गारंटी, और लगभग ऐलान कर दिया है कि 2024 के चुनाव में वही आएंगे, वही प्रधानमंत्री होंगे, और उसके आगे कैसे कैसे ये तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, और ये मेरी गारंटी है। गारंटी भारत सरकार देती है रुपयों में, आपने देखा होगा, आई गारंटी ये करके आता है। मोदी जी भी गारंटी देते हैं, लेकिन कई बार उनकी गारंटी जुमला होती है बकौल गृह मंत्री के। अब की बार भी एक गारंटी दे मारी है उन्होंने, और कह रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। पता नहीं, आम जनता को समझ में आता नहीं कि लार्जेस्ट इकोनॉमी शॉर्टेस्ट इकोनॉमी क्या होता है, लेकिन मोदी जी ने कहा ये तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी, वो जो 15 लाख आने वाले थे, वो गारंटी नहीं था क्या? लेकिन जब हम देखते हैं जो कांकेर की का भाषण है आपका, चुनाव के एन पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर में जब आपने बोला था, तो उसका टोन तो यही था कि गारंटी है, हर गरीब के जेब में 15 लाख रुपए आएंगे कि नहीं भाइयों बहनों। खैर, वो तो जुमला हो गया, लेकिन उसके बाद आपने करीब 40 ऐसे वादे किए जिनमें एक भी मुकम्मल नहीं हुआ। कुछ बड़े वादे बता दे, बुलेट ट्रेन वाला तो याद होगा, वो जापान और क्या और अहमदाबाद से मुंबई कैसे ट्रेन जाया करेगी वगैरह वगैरह, अता पता नहीं है उसका, लेकिन वो छोड़ दीजिए। जो जनमंचों से वादे किए हैं, सबको घर, हर गरीब को घर देने का वादा 50% भी पूरा नहीं हुआ। आगरा में आपने जब बोला था, याद कीजिए, 2016 में, तो 17 में यूपी का चुनाव था, और चुनाव में आप वादे बहुत करते हैं, और ये मोदी की गारंटी होती है। एक ऐसा ही बरेली में आपने किया था, बरेली वाला याद है आपको, किसानों की आय दूनी कर देंगे मोदी जी, 10,218 रुपए, ये आप ही के एनएसएसओ के आंकड़े हैं, 10,218 रुपए। और अगर इसको महंगाई से, और जानते कब से बढ़ा है, जब आपने ऐलान किया था, जब, हालांकि उस समय भी आपको नहीं मालूम था कि किसान की आमदनी कितनी है, आज भी नहीं मालूम है, क्योंकि कोई सर्वे नहीं हुआ। एक सर्वे हुआ था, वो आपने छिपा लिया, वो तो कहिए कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को पता चला, या कुछ लीक हो गया तो पता चला पहले से घट गई है आमदनी, तो आपने उसको पता नहीं लगने दिया। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, सर्वे ऐसे ऐसा आया है, सिचुएशन एनालिसिस सर्वे, उसके हिसाब से किसान की आमदनी 10,218 है, जो 8,100 से बढ़ के यहां तक पहुंची 5 सालों में, 2020 तक। याद करिए, आपने कहा था बरेली में कि दूनी कर देंगे, 2022 का ये आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं, ऐसे सिचुएशन एनालिसिस सर्वे का ये आंकड़ा है, और ये आप ही का आंकड़ा है, 10,218 रुपए। अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया जाए तो उस बेचारे की आमदनी घट गई है। और एक खास बात और है, इसकी आमदनी खेती से नहीं, मजदूरी से है, आधे से ज्यादा आमदनी जितनी उसको खेती से मिल रही है, करीब 3600 रुपए खेती से आमदनी होती है, 4,000 के आसपास उसकी आमदनी मजदूरी से होती है, तब जाके वो पेट भर पाता है मोदी जी। ये असली आंकड़ा है, किसानों की आय आपने दूनी करने को कहा था, तब भी आपको नहीं मालूम था, लेकिन मोदी की गारंटी थी। मुझे कभी कभी लगता है कि एक बार मोदी जी, पहले तो इंटरव्यू मैंने बहुत किया है आपका, एक बार मुझे फिर मौका दें तो हम ये नहीं पूछेंगे कि दूध में आप चीनी डाल के पीते हैं कि शहद डाल के पीते हैं, इतनी शक्ति कहां से आती है, लेकिन एक सवाल जरूर पूछेंगे कि मोदी जी, इतनी बुलंदी से गारंटी देने की ताकत कहां से आती है? जब आप देते हैं तो पिछला वाला नहीं देखते, तो ये हम इंटरव्यू में जरूर पूछते। वसीम बरेलवी को ये मालूम था, वसीम बरेलवी ने इस पे बड़ा अच्छा शेर कहा है, वो झूठ बोल रहा था बड़े करीने से, वो झूठ बोल रहा था बड़े करीने से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता, ये जनता एतबार तो करेगी, अब की बार भी करने जाएगी शायद, लेकिन अब की बार थोड़ा सा मुश्किल लगता है।
बहरहाल हम वो हकीकत बता दें कि अब की आपने कहा है कि तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे, मोदी जी को ये आपका कमाल नहीं है, इसकी हकीकत हम जनता को बताना चाहते हैं कि आप गुमराह ना होइएगा, ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और वगैरह वगैरह जो होते इसका कोई मतलब नहीं होता। तीसरी बड़ी इकोनॉमी का मतलब क्या है? पहला तो ये कि मोदी जी ने कहा 2014 में, याद करिए हम 10वें नंबर पे थे, अब हम 5वें नंबर पे हैं और जल्दी ही हम जापान को भी क्रॉस कर जाएंगे, इंग्लैंड को कर चुके हैं, जर्मनी को भी कर जाएंगे। दरअसल उनकी इकोनॉमी इस समय एक बुरी स्थिति में है और आपके उनके बीच का गैप जिन 5 को आपने पार किया है $1 ट्रिलियन का था, इसलिए आप इसको क्रॉस कर गए। अच्छा, इसमें इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल है, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, आप ध्यान रखिए ये करंट प्राइस पे है और करंट प्राइस पे आपकी इस समय जो इकोनॉमी है वो 3.373 ट्रिलियन की है। $5 ट्रिलियन का वादा तो अभी नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन अब आपने वो 5 ट्रिलियन को बदल दिया, अब आपने जुमला ही बदल दिया, अब कह रहे तीसरी इकोनॉमी हो जाएगी क्योंकि जापान और जर्मनी स्थिति थोड़ा खराब है। अब इसकी हकीकत हम आपको बताते हैं जो मोदी जी ने नहीं बताया है, वो इकोनॉमी में बोलते हैं। अमर्त्य सेन की सदारत में 100 दुनिया के इकोनॉमिस्ट का कि एक कमीशन बना जो फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति सरकोजी ने अपॉइंट किया था और रिक्वेस्ट किया था इन इकोनॉमिस्ट से कि भैया ये बताओ ये जीडीपी होता क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जीडीपी का मामला क्या है, जीडीपी बढ़ जाती है गरीबी भी बढ़ जाती है, ये मामला क्या है। तो अमर्त्य सेन की सदारत में उस कमेटी ने जीडीपी का पूरा एनालिसिस किया और उसमें एक किस्सा है, 645 पेज की इस रिपोर्ट में एक जगह भारत को कोट किया गया और कहा गया है कि अगर कनॉट प्लेस में ट्रैफिक जाम हो जाए तो देश का जीडीपी बढ़ जाएगा, अगर किसी गांव के आसपास सीमेंट फैक्ट्री में करप्शन की वजह से वो उसने अपना जो फ्लाई ऐश कंटेंट है जो धुआं निकल रहा है उसके शमन के लिए कोई मशीन नहीं लगाई है और इंस्पेक्टरों को पैसा दे दिया है, तो वहां पे 250 गांवों में जबरदस्त लंग्स की बीमारी फैलेगी, देश का जीडीपी बढ़ जाएगा। मोदी जी, जीडीपी इसलिए बढ़ रहा है, जीडीपी आपके बहुत बढ़ना एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता, जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, 40%, आपके 45 करोड़ युवा बेरोजगार गांवों में बैठे हुए हैं, आपने कुछ नहीं किया है उनके लिए। और जानते हैं हर साल जॉब मार्केट में 2 करोड़ नए लड़के आ जाते हैं, जो पुराने बेरोजगार हैं उनको छोड़िए, 2 करोड़। और आपने वादा क्या किया था 2014 में, हमारी सरकार आई तो 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, क्योंकि 2 करोड़ लड़के बढ़ जाते हैं। हकीकत यह है कि आप 7 लाख नौकरी 5 सालों में दी है, अभी अभी लोकसभा में बताया गया है कि पिछले 7-8 सालों में, ये बात है अभी जो शरद सत्र था ना, जाने में जो शीतकालीन सत्र था उसमें मिनिस्टर ने बताया है कि इन 7-8 वर्षों में 22 करोड़ 5 लाख 5 हजार नौकरियों का आवेदन आया, आपने दिए कितने मोदी जी मालूम है, 7,22,000, ये 7 साल का लेखा जोखा है। 70,000 वो दे के नियुक्ति पत्र दे के आप अगर चाहते हैं कि वाहवाही लूट ले तो ये मोदी की गारंटी तो हो सकती है, लेकिन गारंटी पे अब विश्वास लोगों का बड़ा कम हो गया है। बहरहाल हम जीडीपी पे आते हैं, ये जीडीपी एक तमाशा है, आप गौर से बताएं, जब आजादी मिली थी तो भारत का स्थान जीडीपी में 6ठे नंबर पे था, तो क्या ताली बजाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में 10वें नंबर पे था, 2000 जब मोदी जी आए तो 2014 में तो 10वें नंबर पे था, मोदी जी ने छलांग लगाई अपने इकोनॉमी को छलांग लगवा दी, 5वें नंबर पे पहुंच गया, आप 3रे नंबर पे पहुंच जाएंगे, मोदी जी को वोट दे देंगे तो कितना सिंपल है ये। लेकिन नहीं मोदी जी, हम जनता को गुमराह नहीं होने देंगे, कितने भी करीने से आप बोलिए लेकिन उनको विश्वास अब नहीं होगा, क्योंकि ये जीडीपी का खेल अब बता दिया जाए तो जनता, आप जानते हैं आजादी मिली थी तो 6ठे नंबर पे था, भयंकर गरीबी थी,
उस समय भी पर कैपिटा इनकम में भारत 18% था ग्लोबल एवरेज के। जो ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा इनकम का होता था उसका 18%, जानते हैं 18% कितना कम हुआ ग्लोबल एवरेज का, ये अमेरिका और उसकी बात नहीं है, ग्लोबल एवरेज का 18% था, आज जानते हैं कितना है, लगभग 18% ही है। आज आपका जो वो है पर कैपिटा इनकम, वैसे तो आईएमएफ ने 2200 डॉलर कहा है, लेकिन हम इसको कॉस्ट इन्फ्लेशन और लेके जो लेटेस्ट आएगा हम मान लेते हैं कि ये 2400 डॉलर का है। आप जानते हैं ग्लोबल इनकम कितनी है, 14,000 डॉलर, 14,000 डॉलर है ये ग्लोबल इनकम। तो 14,000 डॉलर की जगह आपका सिर्फ 2224 है, मोदी जी कैलकुलेट कर लीजिए, आजादी से आज तक जब प्रति व्यक्ति आय लेंगे तो कहीं भी आप नहीं गए हैं, ये तो हुई प्रति व्यक्ति आय की बात, अब इसको भी आप छोड़ दीजिए। आपने हाउसिंग देने को कहा था और बड़े दावे से कहा था, आगरा में था चुनाव, यूपी में चुनाव था, आगरा में बोल रहे थे, उसके बाद राजस्थान में भी आपने कहा, हाउस सबको, हर बहनों मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है कि मैं हर गरीब को घर दूंगा। मोदी जी 50% भी नहीं पूरा हुआ है अभी तक, मालूम है आपको, तो आपका घर का भी रह गया, बुलेट ट्रेन तो खैर मान लीजिए बड़े आदमियों का शोशेबाजी है, उसको छोड़ दें। सिलेंडर का स्कीम आपको मालूम है क्या हुआ, सिलेंडर के पास उसको अगला भरवाने के पैसे नहीं थे मोदी जी, तो एक चुनाव तो आप जीत गए लेकिन अब कैसे जीतेंगे, अब तो सिलेंडर वाला नहीं चल रहा, उज्ज्वला योजना नहीं चल रही है, सिलेंडर के उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि पैसे आपने दिए ही नहीं, किसान है तो गरीब हो गया है। तो ये सिलेंडर की बात हुई, और आपने 40 जो वादे किए थे तो उसमें कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कही थी, नया भारत, आप नारे बदल देते हैं, जैसे पहले कुछ दिया अगली बार फिर नया कर दिया, जैसे 5 ट्रिलियन डॉलर कहा था जब नहीं पूरा हुआ तो अब आपने दूसरा नारा दे दिया है कि तीसरी इकोनॉमी सबसे बड़ी, इस दुनिया का जीडीपी 104 ट्रिलियन डॉलर है, भारत की 3.7 ट्रिलियन डॉलर अभी होने जा रही है, 104 ट्रिलियन, ये आईएमएफ की फिगर्स है, इसका मतलब आपने समझा, लगभग वही है हम रेशियो में जहां हम आजादी के समय थे, जहां हम बहुत पहले थे। एक्चुअली अगर मुकाबला करना है मोदी जी, कभी दम हो तो 3 से 2 बन के दिखा दीजिए, असली वो होगा, क्योंकि 3 तक आने में तो 1 ट्रिलियन डॉलर का था इन्फ्लेशनरी ट्रेंड रहा भारत में, और उनकी इकोनॉमी नीचे आ गई, खास करके यूरोपियन कंट्रीज की जो लाइन में लगे थे, उसमें इंग्लैंड भी था, जर्मनी भी था और एशियन जापान भी था, स्थिति इनकी खराब हो गई, तो आप 1 ट्रिलियन डॉलर का था कूद के चले आए, लेकिन जानते हैं दो जो दूसरे नंबर पे है उसकी आपसे कितनी बड़ी है, 6 गुनी ज्यादा है मोदी मोदी जी, वो इस समय 21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है चीन, आप 3.7 पे लटके हुए हैं, और आप ही के साथ 2019 में वो आया, 1990 में वो शुरू किया था, आप ही के साथ रफ्तार पकड़ी थी, और अब छोड़ दीजिए, यही चीन है 2014 से आज तक, आपका जो ग्रोथ रेट रहा है वो तो कांग्रेस के यूपीए के दोनों काल से भी नीचे रहा है, यूपीए के दोनों कालों में अगर आप देखें तो 773 बिलियन था 2004 में, और क्वांटम जंप लेके 3 गुना जंप लेके लगभग 2014 में उसने 2 ट्रिलियन, 2.03 ट्रिलियन किया था, ये कमाल कांग्रेस का था, लेकिन आपका कितना बढ़ा है जानते हैं, सिर्फ 83%, वहां भी आप कांग्रेस से पीछे रहे हैं, आपके आपका आपका कोई ऐसा इजाफा नहीं हुआ जो कांग्रेस के टाइम का ना हो, उसी का दिया हुआ खा रहे हैं इस समय आप, 83% सिर्फ आपका इजाफा हुआ है इन 9 सालों में, जबकि कांग्रेस के 10 सालों में ये बढ़ के 3 गुना हो गया था, मतलब 200%, 185% का इजाफा हुआ था, उसके बरक्स चीन को देख लीजिए, आपसे ज्यादा तेज जंप उसका है,
और खैर आपसे मुकाबला भी नहीं है, वो 21 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अमेरिका 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, पूरा ग्लोबल जो जीडीपी है वो 104 ट्रिलियन डॉलर का है, तो आप तो कहीं खड़े भी नहीं होते हैं। अमेरिका का मुकाबला तो खैर छोड़ दीजिए, आप दूसरे नंबर पर चीन है, अगला 50 साल लग जाएगा आपको वहां पहुंचने में, जबकि आपका नारा क्या है, अरे साहब चमक रहा है, भारत चमक रहा है, अब तो अमृत काल में आ गया है, ये सब जो करते हैं आप, वाकई कभी इंटरव्यू हो तो ये पूछने वाली चीज है कि इतनी ताकत कहां से आती है, पिछला वाला भूल के नया वाला ठोक देने की। तो मुझे लगता है कि ये हकीकत अगर आप जान जाएंगे कि नौकरी कितनी मिली, 40% किसी देश का युवा बैठा हो घर में, उसके पास जॉब नहीं है, और आप जरा सोचिए, आप उन्हें पकौड़ी तलने को कह रहे, कह रहे वो भी एक जॉब का फॉर्म है, कैसा होगा वो गवर्नमेंट, गवर्नेंस क्वालिटी क्या होगी, ये मदारी गवर्नेंस के अलावा क्या चीज है जिसमें दर्द ये नहीं है, दर्द आप द, 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 इसका इसका बता रहे हैं कि साहब हम तो तीसरे नंबर पे आ गए हैं, कहाँ है पर कैपिटा इनकम में, कहाँ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पिछले साल के मुकाबले 2 खाने नीचे चले गए। और मोदी जी, मैं तो अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि ये गारंटी मोदी जी की है, जरा समझ के लीजिएगा गारंटी, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 30 सालों से 135वें, नीचे आप जरा सोचिए, 135वें नंबर पे है, 130 से 135 नंबर पे घूम रहा है, पिछले साल 2 खाने और गिर गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे है, लेकिन ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी का वादा है, कैसी गारंटी है जिसमें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं बढ़ता, जीडीपी बढ़ जाती है, और जीडीपी बढ़ती है तो किसी अंबानी की बढ़ती होगी, अडानी की बढ़ती होगी, मोदी जी उस गुरु पतवारू के जो प्रेमचंद की गोबर और झुनिया है, उन झुनिया के घर में कुछ नहीं होता, गोबर अभी भी वही है, वो बड़ा बढ़िया एक किसी बड़े आदमी, बहुत बड़े जो आपके स्कूल होते हैं, बड़े पैसे वालों के जो स्कूल होते हैं, पब्लिक स्कूल बड़े बड़े, उसमें से एक स्कूल में किसी बड़े आदमी के बेटी से कहा गया कि गरीब पर निबंध लिखो, उसको मालूम नहीं था कि ये किस चीज पे है, गरीब पे निबंध लिखने को आया, तो उसने अपने दिल से लिखा, उसने लिखा एक गरीब आदमी था, वो इतना गरीब था कि उसका ड्राइवर भी गरीब था, उसका बंगला भी गरीब था, उसका माली भी गरीब था, उसके सारे नौकर गरीब थे, और उसका सब कुछ गरीब था, क्योंकि उसको तसव्वुर गरीब का यही था। मोदी जी मुझे लगता है आपने भी गरीब का तसव्वुर, हालांकि आप आते उस बैकग्राउंड से है, लेकिन चोला उतार दिया होगा, तो अब जो आपके पास है वो एक ऐसा गरीब है जो कि एयरपोर्ट पे जाता है, जो फ्लाईओवर पे जाता है, और उसको दिखा के कहते हैं देखो तरक्की हुई है ना, तो मेरे ख्याल से इस वाली तरक्की से तो भगवान बचाए, उसके घर में सिर्फ रोटी दे दीजिए, और रोटी दीजिए तो सम्मान कह के ना दीजिए, अधिकार कह के दीजिए, ये सम्मान के नाम पे जो आप 17.5 रुपए रोज दे रहे हैं वो मेरे ख्याल से बंद कर दीजिए, इससे हिकारत उसकी और बढ़ रही है, उसका जो अपमान है वो ज्यादा हो रहा है, उसको सस्टेनेंस दीजिए, उसको पकौड़ी तलने की कराए ना दीजिए, क्योंकि पकौड़ी तलना रोजगार नहीं होता, वो बेरोजगार आदमी कुछ करने के लिए कुछ करता है, पकौड़ी तलना फॉर्मल तो छोड़ दीजिए, इनफॉर्मल सेक्टर में भी नहीं होता, लिहाजा वो वैग्रेंसी की तरफ चला जाता है, अपराध की तरफ चला जाए, वो गरीब करे क्या, उसके पास रोटी के लिए कोई साधन नहीं होता। तो मोदी जी ये छोड़ के कि मोदी की गारंटी है, एक बार असली उसमें आइए, और तब आपको मैं बताऊं, आपने जो 40 वादे किए थे उसमें एक भी ऐसा नहीं था, सिलेंडर का हमने आपको बताया, सबको घर का बताया, शौचालय 12,000 दे के आपने 5 साल पहले सोचा था कि शौचालय सबके घर में हो जाएगा, और बन भी गए, कागजों पे बन गए, खूब कागजों पे बने शौचालय। दरअसल हुआ ये कि रनिंग वाटर नहीं है, भारत में रनिंग वाटर गांव में नहीं होता, लिया जा वो शौचालय सूख गए, फिर 12,000 में शौचालय नहीं बनते हैं, खाली एक डंडा खड़ा होता है और अफसर और वो मिलके, ग्राम प्रधान और सब मिलके वो पैसे खा जाते हैं। आपको ये बात आपसे ज्यादा किसको मालूम होगी कि क्या होता है रूरल इकोनॉमी में,
तो शौचालय आपका फेल हो गया। फसल बीमा योजना, आप अगर सबसे कहीं फेल रहे, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था वो फसल बीमा योजना थी। तो मोदी जी, मैं तो यही कहूंगा, करीने से बोलिए, करीने से बोलिए, लेकिन अब जनता वो याद कर रही, पिछला वाला याद कर रही है, तो एतबार नहीं करेगी। वसीम बरेलवी साहब उस समय मजबूर थे एतबार करने को, लेकिन अब जब आप करीने से बोल रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है, उसको भरोसा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बार फिर से चुनाव में जा रहे हैं, फिर गारंटी आएगी, फिर बहुत कुछ होगा। लोभ से उसमें फंसना नहीं, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। अब गारंटी की जरूरत नहीं है, अब टेंजिबल टर्म्स में सामने दिखाई देना चाहिए। क्या वो दिखाई दे रहा है? आज के लिए इतना ही, और मुद्दे आएंगे। अब तो चुनाव ही हो रहा है, अब तो रोज गारंटी आएगी, मुद्दे आएंगे, आप लोगों को इस पे हम बखूबी बताते रहेंगे, वो हकीकत जो ये नहीं बताएंगे। जो असली हकीकत है वो जीडीपी नहीं है, असली हकीकत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, पर कैपिटा इनकम है, एजुकेशन पे खर्च है, हेल्थ पे खर्च है, जो घटता गया है लगातार। अगले अपने कुछ एपिसोड्स में हम बताएंगे कि एजुकेशन की क्या हालत हुई, हेल्थ की क्या हालत हुई, और ये वादे जो थे दरअसल किस तरह एक भ्रम का आवरण डालते हैं और आंख में उनके एक पर्दा हो जाता है जब वो वोट देने जाते हैं। लेकिन अब की बार शायद वो ठगा ना जाए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हकीकत हमारा सिर्फ यही है कि जब हकीकत ग्राफ्स ग्राउंड रियलिटी आप देखते हैं, तो पता लगा है उसके बेटे को नौकरी नहीं मिली, और अगर उसको नौकरी नहीं मिली है तो फ्लाईओवर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एयरपोर्ट बनाने से इस देश का कल्याण नहीं होगा। चीन को बगल में देख लीजिए, चीन किस तरह डेवलप किया है, और वो आपके सामने एक नजीर है। हकीकत यह है मोदी जी कि पर कैपिटा इनकम, ये जो जीडीपी से निकाला जाता है आबादी से भाग दे के, म्यांमार हमसे बेहतर है, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, ये सारे हमसे बेहतर हैं। तो इसलिए आंकड़े अर्ध सत्य ना बताइए, करीने से बोलिए, लेकिन करीने से बोलिए तो ये वाला हम बता देंगे, ये मेरा वादा है, और ये मेरा वादा चुनावी वादा नहीं है। तब तक के लिए